जी ने धीरे से कहा, गुरुजी वो धनुष देखने को कब मिलेगा? जैसे बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है, ऐसी उत्सुकता राम जी के अंदर थी। अब जब निमंत्रण आया जनक जी के दरबार से, विश्वामित्रम महात्मानम आजुहावस राघवम, तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम चलो, जनक जी के महल से निमंत्रण आया है, हम लोग जनक जी के दरबार में चलते। अब जब चले तो रास्ते में फिर राम जी धीरे से कहें, गुरु जी आज तो मिलेगा ना देखने को धनुष, आज तो धनुष देखने को मिलेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा चलो, तो वहां चलने के बाद चर्चा करेंगे। आए दरबार में बैठे, जैसे ही बैठे महाराज, फिर धीरे से राम जी ने कान में कहा, गुरु जी वो धनुष कब देखने को मिलेगा? अब तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने ऐसे सोचा कि अब सारी बात बाद में, पहले मेरे राम को धनुष दिखाया जाए। क्यों? बोले जब तक ये धनुष का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक इनके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए दरबार में उपस्थित होते ही सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने यही कहा जनक जी से कि एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। ये जितना भाव मैंने कहा है ये कृतकामौ का भाव है। विश्वामित्र जी कहते हैं जब तक ये दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक ये कृतकाम नहीं होंगे, इनकी कामना पूर्ण नहीं होगी, इनको दिखाओ, इसीलिए इतनी दूर आए हैं। कृतकामौ नृपात्मजौ, लेकिन साथ में जनक विश्वामित्र जी को एक मन में संकोच भी है। क्या संकोच? बोले विश्वामित्र जी सोच रहे हैं ये राम लक्ष्मण इतने चंचल हैं, बड़ी उत्सुकता है इनको धनुष देखने की, कहीं जनक जी ने इनको धनुष दिखाया और ये बाल स्वभाव के कारण उठ करके गए, उस धनुष को छूने उने लगे, कुछ करने लगे इधर उधर, तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने अपने तरफ से ही कह दिया कि एतद् दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। केवल इनको धनुष दिखा दो, ये देख लेंगे और जैसे आए हैं वैसे चले आएंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, ये बालक चंचल नहीं है। अपने तरफ से विश्वामित्र जी के, इनको दिखा दो धनुष। तो जनक जी महाराज ने कहा, ठीक है, उस धनुष का दर्शन मैं कराऊंगा। जनक जी ने कहा, धनुष देखने के पहले धनुष का इतिहास जान ले। जनक जी ने कहा, मेरे पूर्वज महाराज देवरात को देवताओं ने यह धनुष दिया था, उस समय से इस धनुष की पूजा मेरे कुल में होती चली आई है, और इस धनुष से जुड़ी एक घटना और भी है। बोले क्या? जनक जी कहते, मेरी एक कन्या है अयोनिजा, यज्ञ के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के अग्रभाग से उस कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीते विस्तृता। क्षेत्र का शोधन करते समय हल के अग्रभाग से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो अयोनिजा है, उसका नाम सीता है, मैंने बेटी के समान उसे पाला है। पृथ्वी से वो उत्पन्न हुई है, भूतलाद उद्धिता सातु विवर्धत ममात्मजा वीर्य शुल्केति में कन्या। ये मेरी कन्या वीर्य शुल्का है, मेरे कन्या की उत्पत्ति दिव्य है, वो भूमि से प्रकट हुई है, अयोनिजा है। तो मैंने विचार किया, जिस कन्या का जन्म प्राकट्य भूमि से हुआ, जो अयोनिजा है, ऐसे पुरुष को, ऐसी कन्या को मैं ऐसे पुरुष को दान करूं जो पुरुष भी इसी प्रकार का दिव्य और विलक्षण हो, लेकिन उस दिव्य विलक्षण पुरुष की पहचान मुझे कैसे होगी? मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि वो पुरुष दिव्य है और विलक्षण है? तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे यहां जो धनुष है ये भगवान शंकर का, इस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा, जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो मनुष्य नहीं होगा। क्यों? बोले मनुष्य तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता, क्वा गतिर ही मनुष्याणाम तोलने पूर्णे पिवा। इस धनुष को उठाना और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना ये मनुष्य के बस की बात नहीं। तो मैंने यही थर्मामीटर रखा, यही फार्मूला बनाया जनक जी ने कि कैसे मैं पहचानूं कि ये पुरुष विलक्षण और दिव्य है जिसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूं। तो जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो साधारण नहीं होगा।
ये मैंने एक मानक रखा है, और जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन हे महाराज, मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी इस धनुष को तिल भर उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, तिल भर भी धनुष को उठा नहीं सके। और अंत में सभी राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई कि राजा जनक की नगरी को घेर लो और राजा जनक को समाप्त कर दो और सीता को छुड़ा लो, फिर आपस में हम लोग युद्ध करके निर्णय करेंगे सीता किसको प्राप्त होगी। रोषेण महता विष्टा पीडयन मिथिलाम पुरीम, चारों तरफ से राजाओं ने मेरे नगर को घेर लिया। एक वर्ष तक युद्ध चला, मेरी संपूर्ण सेना समाप्त हो गई। फिर मैंने देवताओं की आराधना की, देवताओं की आराधना से मुझे विलक्षण सेना प्राप्त हुई, जिस सेना के द्वारा उन राजाओं का पराभव हुआ। उसके बाद कोई राजा मेरे नगर की ओर आंख उठा करके नहीं देख सका। लेकिन हे मुनिवर, मेरी कन्या सीता का विवाह अभी तक नहीं हुआ। यद्यस्य धनुषो राम कुर्याद आरोपणम मुनि। अब अपने मन की बात जनक जी कह रहे हैं। जनक जी कहते हैं, मुनिवर, अगर ये रघुनंदन राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो सुताम अयो निजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम, मैं अपनी इस अयो निजा कन्या सीता का इनको दान कर दूंगा, इन्हीं के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि धनुष पर यह प्रत्यंचा अगर चढ़ा दें तो। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक। जनकस्य वच श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन, वो धनुष मेरे राम को दिखाओ, पहले देखें तो राम जी धनुष। तब जनक जी ने अपने दूतों को आदेश दिया, दूत लोग गए धनुष को लाने के लिए। 5,000 बड़े बड़े वीर, नृणाम शतानि पंचाशत् व्यायतानाम महात्मनाम, 5,000 बड़े बड़े पहलवान, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े लंबे लंबे महाराज, व्यायतानाम अर्थात खूब मोटे तगड़े मजबूत लंबे, ऐसे 5,000 वीर गए और जाकर के उस धनुष को लेकर के आ रहे। उठा करके नहीं लाए, वो धनुष एक बहुत बड़े बॉक्स में रखा था, पेटी में, और उस पेटी में बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। मंजूसाम अष्टचक्राम, बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। उस मंजूषा को, उस पेटी को खींच करके लाने के लिए 5,000 वीर को जाना पड़ा। उठाना तो दूर की बात, 5,000 वीर किसी प्रकार खींच करके ताम समूहूस्ते कथंचन, कथंचन मैंने किसी प्रकार से लेकर के आए, बड़ी मशक्कत के बाद ला करके धनुष को मध्य में जब रखा तो जनक जी ने एक बार फिर कहा, मुनिवर, इस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके। नैतत् सुरगणा सर्वे सासुरा नच राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः क्व गतिर्हि मनुष्याणां धनुषस्य प्रपूरणे। जनक जी कहते हैं, मुनिवर, इस धनुष को न असुर उठा सकते हैं, न राक्षस उठा सकते हैं, गंधर्व यक्ष भी इस धनुष को नहीं उठा सकते, और स्वर्ग के देवता भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। नैतत् सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः। अब क्या सिद्ध हो रहा है? जिस धनुष को मनुष्य नहीं उठा सकते, राक्षस नहीं उठा सकते, देवता नहीं उठा सकते, यक्ष किन्नर गंधर्व भी नहीं उठा सकते, जनक जी कहते हैं, क्वा गतिर ही मनुष्याणाम, मनुष्य की क्या गति है? और उस धनुष को किसने उठाया?
राम जी ने उठाया। इसका मतलब राम जी मनुष्य नहीं है, भगवान है, ये सिद्ध हो गया। इस तरह से बड़े ही सूक्ष्म ढंग से महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया। यहां पर इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान के ईश्वरत्व का प्रतिपादन हो रहा है जनक जी के द्वारा। क्वागतिर ही मनुष्याणाम धनुषस्य प्रपूरणे, इस धनुष को उठाने की शक्ति मनुष्य में तो हो ही नहीं सकती। और ये सब बात जनक जी कह रहे थे तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन बार बार इसको कोई उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता। अरे मेरे राम को एक बार दिखाओ तो। जब विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा, वत्स राम धनु पश्य, विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो यही वो धनुष है और हो सके तो तुम इसे उठाओ और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी चल पड़े, पहले तो गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करके और वहां जो बैठे हुए विप्र ब्राह्मण थे उन सबको प्रणाम किया राम जी ने और उस धनुष की ओर आगे बढ़े। कैसे बढ़े? जैसे कोई गजराज झूमते हुए चल रहा हो, सहज ही चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, चले सकल जग स्वामी, चले सकल। बड़े ही सहज भाव से राम जी चल पड़े, कोई गर्व नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं कि छाती तान करके और सिर उठा करके ऐसे जा रहे हो, देखो भाई मैं जा रहा हूं धनुष उठाने। बड़े ही सहज भाव से, सहज ही चले सकल जग स्वामी, जैसे गजराज झूमते हुए अपनी मस्ती में चलता है उसी प्रकार भगवान चल पड़े और धनुष के पास पहुँचे। और भगवान श्री राम ने कहा, इदम धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामी ही पाणिना, इस धनुष श्रेष्ठ को, इस दिव्य धनुष को पहले तो मैं अपने हाथों से छूंगा। संस्पृशामी ही पाणिना, ये नहीं कहा कि मैं इसको उठाऊंगा और तोड़ दूंगा। ये राम जी की शीलता है, उनकी विनम्रता है। राम जी कहते हैं, मैं पहले इस धनुष को छूंगा और अगर मैं छूने में समर्थ हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामी तोलने, तब मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा, उठा लूंगा। ये नहीं कहा, यत्नवाश्च भविष्यामी तोलने, और अगर मैं उठाने में समर्थ हो गया तो पूरणे पिवा, तब इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने का भी प्रयास मैं करूंगा। इनकी इस विनम्रता को देखकर सभा में बैठे सभी लोगों ने कहा, बाढ़म, अति सुंदर। बाढ़म इत्यब्रवीत राजा, राजा जनक ने कहा, बहुत सुंदर। भगवान श्री राम पहुंचे, धनुष को देखा और फिर एक बार अपने गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी की ओर देखा और वहीं से देखकर गुरुजी के चरणों में फिर प्रणाम किया। अभी प्रणाम करके गए थे लेकिन वहां जाकर के धनुष को देखा और एक बार गुरुदेव के चरणों में फिर प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन की, मन ही मन कीना, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम निवेदन किया। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव बड़ी ही सहजता में और शीघ्रता में राम जी ने धनुष को उठा लिया, उठाया
आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः। आरोपयित्वा मौर्वीं, धनुष को उठाया और उसको ऐसे झुकाया और उसकी डोरी बांधी। मौर्वीं, उस डोरी को बांधा। आरोपयित्वा मौर्वीं, और उसके बाद एक हाथ से धनुष को पकड़ा और एक हाथ से डोरी को पकड़ा। पूरयामास तद्धनुः, और खींचना शुरू किया राम जी ने। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः, तद् बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः। खींचा जोर से धनुष को, ऐसे यहां तक खींचते खींचते इतना खींच दिया कि धनुष का जो हिस्सा था बीच से ही टूट गया। अरे वैसी सुंदर ध्वनि हुई महाराज, धनुष जब टूटा। ये तो कहने में हमको देर लग गई, कहने में देर लग गया, 10 सेकंड लगा होगा कम से कम, लेकिन राम जी को तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाणे, काहु न लखा देख सब ठाणे, तेरी चर राम मत धनु तोरा, तेरी चर राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर भगवान ने धनुष को उठाया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, कब लिया कब चढ़ाया और कब खींचा कोई देख नहीं पाया। क्षणार्ध में धनुष टूट गए, और जब धनुष टूटा तो ऐसी भयंकर ध्वनि हुई महाराज, दशो दिशाएं गुंजायमान हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भूमि कंपश्च सुमहान, भूकंप आ गया महाराज, भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः, मानो पर्वत फट गया हो पट 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 करके, ऐसी ध्वनि प्रकट हुई। कल्पना करो कि कोई विशाल पर्वत हो और उस पर्वत के अंदर विस्फोट हो जाए और पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो कितना भयानक रव प्रकट होगा, ऐसी ध्वनि प्रकट हुई पर्वतस्येव दीर्यतः। और इसका परिणाम क्या हुआ, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। वहां जितने लोग थे सभा के अंदर, सब लोग धड़ाम धड़ाम गिर पड़े। भयंकर ध्वनि हुई, सब डर गए, हुआ क्या, भूकंप आया, क्या हो गया, ब्रह्मांड फट गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और धड़ाम धड़ाम जो जहां थे वहीं गिर पड़े। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, ये वाल्मीकि जी की वाणी अतिशयोक्ति नहीं है। यहां तो सब कुछ यथार्थ है, हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत् सर्वम धर्म वीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। सब लोग गिर गए। प्रश्न हुआ, बोले सब लोग गिर गए, तब तो राम जी भी गिर गए होंगे, लक्ष्मण जी भी गिर गए होंगे, विश्वामित्र जी भी गिर गए होंगे। कहते नहीं, जो नहीं गिरे उनका नाम भी सुन लो, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, सब लोग तो गिर गए। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः, वर्जयित्वा मुनिवरम, विश्वामित्र जी नहीं गिरे, वो खड़े रहे, वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौच राघवौ। राजा जनक नहीं गिरे और राम लक्ष्मण नहीं गिरे, विश्वामित्र जी और जनक जी महाराज, राम और लक्ष्मण, इन चार को छोड़कर वहां जितने लोग थे सब गिर पड़े। जनक जी के पुरोहित जो सतानंद जी थे वो भी ढुनक गए महाराज।
बोले एक और नहीं गिरे। बोले कौन? बोले श्री जानकी जी नहीं गिरी। उनकी जो सखियां उनको संभाल कर रही थी वो तो अब इधर उधर हो गई, डिसबैलेंस हो गई, लेकिन जानकी जी नहीं। क्यों? बोले जानकी जी तो भूमिजा है और भगवान में और जानकी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान नहीं गिरे तो जानकी जी भी नहीं गिरी। क्यों? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अब तो महाराज सब जब गिरे तो गिरने के बाद सब उठकर के खड़े हुए, एक दूसरे को देखा, हाथ झाड़ा और सब जय जयकार करने लगे। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया। किसी को दुख नहीं, सब प्रसन्न है और सब लोग एक ही बात कहने लगे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे। एक से देश देश के राजा सब आए, 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 उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे हाँ उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, 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 उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे हाँ उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने। बड़े बड़े राजा आए थे, एक से एक अभिमानी राजा, उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे। हमारे रघुनाथ जी ने उनकी मूछ की ऐंठन को मरोड़ दिया। ठाकुर के तो मूछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मूछ वालों की पूंछ उखाड़ देते हैं ठाकुर। सबकी मूछ को मरोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। किसी ने कहा राम जी केवल तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं, धनुष को तोड़ा मूछ को मरोड़ा, कोई अच्छा भी काम करते हैं क्या? तो मिथिला के भक्तों ने कहा कि ये केवल तोड़ते नहीं मरोड़ते नहीं अपितु जोड़ते भी हैं। क्या जोड़ते हैं? बोले राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई, प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे सिया जुसे नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषिया।
धनुइया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम जी ने धनुष तोड़ दिया। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे। किसी ने कहा, सब लोग आनंदित हैं, जनक जी प्रसन्न हो गए, जानकी प्रसन्न है, मिथिला के लोग प्रसन्न हैं, सबको खुशी है, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। किसी ने कहा, एक व्यक्ति तो दुखी होगा। बोले वो कौन होगा? बोले वो बेचारा धनुष जो टूट गया, उसको तो दुख होगा, उसको तोड़ दिया गया। बोले सब सुखी हैं, लेकिन धनुष बेचारा तो टूट गया, उसको दुख होगा। लेकिन वो टूटा हुआ धनुष बोल पड़ा, उसने कहा, नहीं नहीं हम भी सुखी हैं, हम भी प्रसन्न हैं। बोले तुमको किस बात की प्रसन्नता है? तो धनुष ने कहा, जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, आज जब हम टूटे हैं तो राम जी को और सीता जी को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक, मैं प्रसन्न हूं। धनुष ने कहा, हम भी प्रसन्न हैं। किसी ने कहा, देखो सभा में अपनी गंभीरता बनाए रखनी चाहिए, सभा में गांभीर्य होना चाहिए, और आज इतनी सभा में तुम इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती किसी के अंदर दुर्भाव पैदा करने का प्रयास करते, भले वो ना सोचे लेकिन उसको मजबूर करते। लोगों ने कहा, रे तुम भरी सभा में इतने हल्के हो गए, तुमको राम जी ने उठा लिया, और उठाया ही नहीं, तोड़ करके डाल दिया नीचे। धनुष ने कहा, मुझे कोई नहीं उठा पाया, अगर मुझे उठाया किसी ने तो परब्रह्म परमात्मा ने उठाया, उनके हाथों से मैं उठाऊं, किसी साधारण के हाथ से नहीं उठा। और जहां तक टूटने की बात है, टूट करके तोड़ करके मुझे डाल दिया, तो अगर मैं टूटा भी हूं तो टूटने के बाद गिरा भी तो राम जी के चरणों में गिरा हूं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठाकुर जी ने तोड़ करके अपने चरणों में मुझे डाल दिया, मैं भी प्रसन्न हूं। परम आनंद हुआ मिथिला में। श्री जानकी जी वरमाला लेकर के आई, सखियां सुंदर गीत गाती हुई जानकी जी को लेकर के आ रही, रघुनंदन के गले में वरमाला डालनी। सखियां आई, राम जी खड़े हैं, सखियों ने कहा, वरमाला पहनाओ इन। अब किशोरी जी कैसे वरमाला पहनावे भगवान को, किशोरी जी का हाथ पहुंचता ही नहीं वहां तक। क्यों? बोले 6 वर्ष की किशोरी जी थी, राम जी का जब ब्याह हुआ ना तो 6 वर्ष की जानकी जी थी और राम जी 12 वर्ष के, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब जानकी जी भगवान के गले में वरमाला कैसे डालें? सखियों ने दुल्हा सरकार से कहा, सरकार थोड़े झुक जाओ। झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, 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 तुम हो बड़े बलवीर किशोरी मोरी छोटी सी, हाँ तुम हो बड़े बलवीर किशोरी मोरी छोटी सी, रुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी छोटी सी, रुक जइयो ललन रघुबीर